प्रणाम। गिरिराज की संवेदना हमने की, गिरनार की संवेदना हमने की, तो आइए गुरुराज की संवेदना हम आज करते हैं। गुरुराज वो, मुनिराज वो जो सबसे महान है। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। चेन्नई में गुजराती वाली मंदिर में दोपहर का समय था। मैं आज यशवंत साहिब को वंदन करने के लिए श्रावक श्राविका अंदर मौजूद थे, इसके लिए मैं बाहर ही खड़ी थी और बाहर वहाँ पे बच्चों का शिविर चल रहा था। संख्या कुछ 200 से 300 बच्चों की थी। अचानक शिविर के दौरान 10 साल की एक लड़की, उसको वॉमिट हो गई। अचानक वॉमिट होने के कारण आसपास के बच्चे, उनको अजीब लगने लगा। वो चिल्लाने लगे कि यहाँ से हटो, अरे यहाँ पे तो वॉमिट आ रही, यहाँ से हटो। उनको अनकंफर्टेबल फील होने लगा। इनफैक्ट मेरे को खुद को, मैं वहीं पे खड़ी थी, आई फेल्ट वियर्ड। वॉलंटियर्स वो आए, वो चिल्लाने लगे, अरे यहाँ पे कोई उल्टी करता है क्या, यहाँ पे उल्टी किसने की, अरे कोई इसको साफ करो, कोई नीचे से स्टाफ को बुलाओ। चिल्लम चिल्ली शोर इधर से उधर लोग, और शायद वहाँ पे खड़े गए सारा दृश्य देख रहे। वो आए, आते उन्होंने देख नहीं देखा कौन खड़ा है, वो किधर है, क्या, और कुछ भी नहीं सोचा। आते उन्होंने अपने ही हाथों से, हाँ अपने ही हाथों से उन्होंने उन दो उल्टी को लिया, प्याले में डाला। एंड यू नो हाउ, जैसे कोई पानी में खेलता है और पानी को उछाल के फेंकता है, वैसे बड़ी ही सिंपलिसिटी से ही टुक द मोमेंट एंड बाउल में डाल दिया। वहाँ पे खड़े खड़े आई वाज सो शॉक्ड, गूज़बम्स आने लगे मुझे। आई कुड नॉट बिलीव कि एक्चुअली मैंने ये देखा। और तभी वॉलंटियर्स आए, वो चिल्लाने लगे कि साहब आप क्यों कर रहे हो ये, साहब हम करते, साहब हमें करने दो। पर नहीं, आई नहीं रुके, ही केप्ट डूइंग इट। उन्होंने पूरी उल्टी को अपने हाथों से साफ किया और जीना पूर्वक उसको पलटा। मैं इंसिडेंट देख ही रही थी कि तभी मेरे दिमाग में विचार आया, व्हाई डिड ही डू दैट, डिड ही वांट एनीथिंग, क्यों किया उन्होंने, उनको कुछ चाहिए था क्या, उनको कुछ स्वार्थ था इस चीज में, इसके पीछे उनका कोई मकसद था। और मेरे दिमाग में ये इसलिए आया क्योंकि स्मार्ट की दुनिया है ना, वी आर लिविंग दिस लाइफ ओनली। अगर मैं भी आज किसी के लिए कुछ करूँ तो उसके पीछे इन रिटर्न आई नीड समथिंग, मुझे कुछ चाहिए इन रिटर्न, चाहे वो आप हो या मैं। चलो अगर वो लड़का होता तो उसका वॉमिट क्लीन करूँगा, उसको पटाऊँगा तो वो मेरा चेला बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से स्वार्थ होते हैं। पर वो 10 साल की बच्ची थी, उनका उसका एक छोटा काम करके उनको क्या मिला, कुछ नहीं। साहेब आए, उन्होंने देखा कि कॉर्नर में वो लड़की खड़ी खड़ी धुसके धुसके रो रही है। तभी साहेब ने उसको बुलाया, पर वो बेचारे इतनी डर गई थी दैट शी कुड नॉट मूव। एंड साहेब को समझ आ गया था, साहेब उसके पास गए, खुद उसके पास जाके उन्होंने उसको पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? और वो भी ऐसे गए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उन्होंने अभी कुछ किया ही नहीं। उसको पूछते वो रोने लगी और बोली कि साहब मैं डर गई थी कि आप मुझे चिल्लाओगे, साहब मैं डर गई थी कि मुझे वॉलंटियर्स चिल्लाएंगे, साहब मैंने उल्टी कर दी, साहब साहब साहब, और रोने लगी। तभी साहब मुस्कुराए और बोले, देखो वहाँ पे उल्टी है ही नहीं, आप क्यों रो रहे हो, आप मत रो, आपको कोई नहीं चिल्लाएगा, कोई नहीं डांटेगा, उस बात की गारंटी मैं नहीं था। और तभी और रोने लगी,
सब साहिब के दिमाग में विचार है। जैसे छोटे बच्चे रोते हैं ना अपने घर में, तो हम उनके हाथों में चॉकलेट या ऐसी उनकी कोई मनपसंद चीज़ उनको दे देते हैं जिससे वो खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही साहिब ने उस बच्ची को 50 रुपये की प्रभावना दिलाया। प्रभावना हाथ में लेते ही वो मुस्कुराई और साहिब ने वो देखा और उसको बोला कि अरे आप रोना मत अभी, अगर आप कल नहीं कल उल्टी की ना तो आपको 100 रुपीज़ दूंगा, दिलवाऊंगा। अगर कल आपने उल्टी की और तो मैं आपको वैसे ही दिलवाते रहूंगा, आप रो मत। और तभी वो मुस्कुराई और थैंक यू साहिब बोल के चले। ये सब देख के आई डोंट नो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। डे टू डे लाइफ में बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं, वी टेल आवर फ्रेंड्स, वी टेल आवर फैमिली, बट आई फेल्ट दिस वाज सपोज टू बी शेयर्ड। ये शेयर करना ज़रूरी था। 5 महाव्रत धारक वो महात्मा बिना कुछ सोचे बड़ी सिंप्लिसिटी से उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। और मैं आज आपको नहीं बोलूंगी कि वो कौन है, वो कहाँ से है, क्योंकि हम ही हैं जो उन महान साधु भगवंतों को गच में बांट देंगे, धोए में बांट देंगे। टॉपिक वो नहीं है आज, टॉपिक इज अबाउट सिंप्लिसिटी, अबाउट समथिंग सो ग्रेट, वेरी ग्रेट। मैं एक डॉटर हूँ, अगर मेरी माँ वो भी वॉमिट कर लेना तो मैं 2 बार सोचूंगी कि मैं उसको कैसे साफ करूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, मेरी वॉमिट है, इट्स नॉट पॉसिबल, गंद आती है। पर साहब ने कितने सिंपल वे में, बड़ी ही सिंपलिसिटी से ही साथ उन्होंने उसको क्लीन किया। एंड दिस इज व्हाई आई वांट टू शेयर दिस। वो महान साधु भगवंतों जिनके बारे में हम बोलते हैं, आज उनके बारे में कुछ ये भी सुना, यही होते हैं जैन शासन के साधु, जैन धर्म के साधु। राजपत्नी